कुम वरम वकूमद लाबीन वसला तो वसलम अला रसूल हिल करीम अम्माबाद काबिल अहतराम दीन व मिली भाइयों मुसलमानों के बाहमी हकूक में से चार हकूक़ का तस्करा आपके सामने आ चुका है दो हकूक़ का तस्करा इंशाअल्लाह आज आपके सामने करने की कोशिश करूँगा दो हकूक़ को कौन कौन से हैं जिनका ज़िक्र आज आपके सामने किया जाएगा उनमें से पहला है मुसलमान भाई की अयादत करना दूसरा है जब किसी मुसलमान भाई का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक होना सबसे पहले हम बात करते हैं मुसलमान भाई की यादत करने के हवाले से हमारा दीन दीन इस्लाम हमें ये सिखलाता है कि जब तुम जिस समाज और माशरे में रहते हो अगर वहाँ पर कोई बीमार हो जाए किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसके अदत के लिए उसके घर जाओ अगर घर में है तो घर जाओ और अगर हॉस्पिटल में वो एडमिट है तो हॉस्पिटल जाओ उसकी उसकीदत करो तेमारदारी उसकी करो क्यों अगर उसके पास जाओगे उसकी आयादत करोगे तो उसको हिम्मत मिलेगी उसके सामने जा करके उससे गुफ्तगु करोगे तो उसे सुकून कल्ब हासिल होगा इसी तरीके से रसूल अलैहि वसल्लम ने हमें जहाँ इस बात का हुक्म दिया है कि हम बीमार शख्स की यादत करें उसका फ़ायदा भी रसूल अक्रम सम ने बयान फरमा दिया है बड़ा अजीम फ़ायदा है मेरे भाई सिर्फ़ बीमार शख्स की आप आपदत कर लीजिए उसके घर चले जाएँ खैर खैरियत पूछ लीजिए कितना बड़ा अजर अल्लाह रब्बुल रब्लम आपको देगा मालूम है सुबह के वक्त अगर आप किसी बीमार शख्स की यादत के लिए उसके घर या हॉस्पिटल जाते हैं सुबह के वक्त आप गए आपने उसकी अयादत की शाम तक सत्तर हजार फरिश्ते आपके लिए इस्तफार करेंगे सुना आपने सुबह में गए और औरत करके आप वापस आ गए अब शाम तक सत्तर हजार फरिश्ते आपके लिए इसगफ़ार करेंगे और अगर आप शाम में जाते हैं तो सुबह तक यही मामला आपके साथ होगा कि वो नेक मखलूक आपके लिए इस्तफार करती रहेगी और इसी तरीके से आपने अपने भाई के यादत की है तो इसके बदले में अल्लाह रब्लम जन्नत में आपके लिए एक बागीचा भी फिक्स कर देगा आपका ना एक रुपया खर्च हो रहा है ना कोई बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हैं सिर्फ़ आप उसके घर चले गए आपने उसकी हाल चाल ले ली उसकी खैरियत दरियाफ्त कर ली उसके बदले में आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हमारी शरीयत दे रही है हम खुद जानते हैं इसी तरीके से जिस शख्स की हम आयादत करें उसके आदाब में से है कि बहुत ज़्यादा देर तक हमें बीमार शख्स के सामने नहीं बैठना चाहिए उसे आराम की जरूरत है आप जाए हाल चाल ले लें खैर खैरियत दरियाफ्त कर लें उसके बाद फिर आप वापस चले आइए और साथ में उसे दुआ भी दे दीजिए साथ में उसे दुआ भी दे दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफाए कामिला अता फरमाए आज हमारा अलमिया ये है कि हम एक बिल्डिंग में रहते हैं नीचे किसी की तबीयत खराब हो जाए हमें फिक्र नहीं होती हमने सिर्फ ये सोच रखा है बीमार की अयादत तब करेंगे जब वो बीमार हमारा रिश्तेदार होगा जब वो बीमार हमारा रिश्तेदार होगा तब हम उसकी यादत करेंगे नहीं हमारा ईमानी भाई है हमारा उससे खूनी रिश्ता तो नहीं है लेकिन ईमान का रिश्ता है इस वजह से अगर हमारे माशरे में कोई बीमार हो जाए तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी करें और उसकी हर एतबार से ताउन करने की कोशिश करें नंबर दो अगर किसी मुसलमान भाई के इंतकाल हो जाता है तो हमारी शरीयत कहती है कि उसके जनाजे में जाइए उसके लिए इस्तफ़ार कीजिए अगर हम उसके जनाजे में जाते हैं तो हमें क्या अजर मिलेगा चूंकि आज लोगों का मामला यह है कि वो हर मामले में सोचते हैं क्या फायदा हमें हासिल होगा शर्यी मामलात में शरीय अहकाम में हम किसी भी हुक्म पर अगर अमल करें तो सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिलता है कि अल्लाह रब्लम की और उसके रसूल की क्या हो जाती है एतहात हो जाती है जनाजे का मसला है अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फरमाया जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता है और एक शख्स उसके जनाजे में शरीक रहता है तो उसे एक की रात अजर रब्बुल आलमीन देता है जनाजे में शरीक हुए एक की रात अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देगा सवाब देगा और अगर उससे आगे निकल कर के आप उसके आखिरी हिस्से तक शरीक रहे यानी उसे मिट्टी के हवाले कर दिया गया अब आखिरी हिस्से तक अगर आपने शिरकत कर ली तो दो की रात अजर रब्बुल आलमीन आपको देगा सहाबा ने पूछा ये की रात क्या है दो की रात क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो अज़ीम पहाड़ों के बराबर अजर दिया जाएगा ऐसे शख्स को जो जनाजे में शरीक होने के साथ साथ में उस शख्स के मिट्टी में भी शरीक होता है तो आप सोचें कितना वक्त आपका जाएगा नमाज जनाजा अदा कर लीजिए उसके बाद में जाकर के मिट्टी दे दीजिए इतना सा मामला है दो अजीम पहाड़ों के बराबर अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दे देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल आलमीन तो हमें आपसी हुकूक की अदायगी की तौफीक दे आमीन वालेकल वर्क ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला